हाय और स्वागत है एक और पबजी के ब्रांड न्यू वीडियो में। तो इस बार हम जा रहे थे जोरजपुर, वहाँ पर काफ़ी सारी स्क्वाड आई थी, कम से कम 4-5 स्क्वाड। उनको कैसे भरा तो देखो वीडियो को पूरा एंड तक। तो भाइयों मैं ये स्क्वाड मैच खेल रहा था, ये 3 बंदे हैं ना जो ये रैंडम प्लेयर थे, ये काफ़ी नूब थे, इनमें से मैं ये ठीक ठाक खेलने वाला था। तो इनको कैसे बचाया और कैसे इन्होंने मुझे बचाया, तो उसके लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये बहुत ही तबाहीदार गेम प्ले होने वाला। तो जैसे ही मैं उतर रहा था, मुझे कंटेनर पे एक भी गन नहीं दिखी, फिर इस कंटेनर में गया तो DP28 मिल जाती है। फिलहाल के लिए इसी से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही ओपी गन है। आगे चलकर फिर मुझे बैरल मिल जाती है, आपको पता ही बैरल कितनी तबाहीदार गन है क्लोज में। तो सामने की तरफ से मेरे टीममेट की कॉल आई थी, वे नॉक हो जाता है, और उसे कैसे बचाते हैं वो तो आपको ही देखना पड़ेगा कैसे पिलते हैं। It was at this moment that he knew he fucked up. तो भाई जैसे हम इसे मारते हैं तो इसके टीममेट के फुटस्टेप आने लगते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर रुकता हूँ कि पता चले कि खासे फुटस्टेप आ रहे हैं, फिर करते हैं कार्रवाई शुरू। तो इसे कहते हैं बाय वन गेट वन फ्री। मैं एक बंदे को मारा था, दूसरा बंदा अपना किल देने के लिए आ जाता है, उसे भी किल देते हैं। तो लास्ट वाले कंटेनर की तरफ से कुछ गन फायरिंग सुनाई देती है, तो हम वहाँ पर रश कर देते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। तो मेरे पास हेलमेट नहीं था, फिर भी मैं जा रहा था, पर थोड़ी देर के बाद हेलमेट मिल जाता है। तो यहाँ कंटेनर की तरफ बंदा दिखाई देता है, पहले मैं कवर में आता हूँ फिर फायरिंग करता हूँ। तो इसे काफ़ी सारा डैमेज देने के बाद भी ये बच जाता है, फिर मैं इसको रश करता हूँ, पर तभी एक और बंदा दिखाई देता है। तो मैं इसको पूरा फिनिश कर देता हूँ, ताकि मैं इसको रिवाइव का चांस नहीं देना चाहता था। तो यहाँ पर मैं हाई ग्राउंड का फ़ायदा उठा लेता हूँ, क्योंकि मेरी सारी बुलेट हेड कनेक्ट हो रही थी, इसलिए आसानी से मार देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लास्ट वाले कंटेनर पर आ जाता हूँ, और यहाँ पर सामने एक बोट दिखाई देता है। तो ये 6x का स्प्रे देख के ये मत समझना कि मैं एक्चुअली मेरे स्क्रैल में कोई अटैचमेंट नहीं थी, इसलिए थोड़ा सेक कर रहा था। तो भाइयों फिर हम आते हैं कोचिंग की तरफ, यहाँ पे काफ़ी भजड़ मची हुई थी, और यहाँ पर एक फ्लेयर ड्रॉप भी था। तो इन सबको कैसे पेलते हैं तो इस फाइट को ज़रूर पूरा देखना। तो यहाँ पर मुझे एक बंदा दिखता है, मैं मारने की कोशिश करता हूँ, पर वो एक कवर में जा चुका था। फिर यहाँ पर ये बाइक आती है, भैया जी मैं नूब।
तो यहाँ पर काफ़ी सारी टीम थी, पता ही नहीं चल रहा था कितनी टीम है, तो मैं इसलिए ज़्यादा देर पीक नहीं दे रहा था बंदों को। तो यहाँ पर मैं देखने की कोशिश कर रहा था पर मुझे एक भी बंदा नहीं देखा। फिर मैं यहाँ पे कुछ बूस्ट मार के फिर ड्रॉप को लूटने जाता हूँ और वहाँ पे देखना क्या होएगा मेरे साथ। तो मैं यहाँ पर सेफली रोड क्रॉस कर लेता हूँ पर फिर सोचता हूँ कि ओपन में ड्रॉप लूटना सेफ नहीं होगा, तो मैं यहाँ पर पहले देखता हूँ फिर स्मोक करूँगा। तो मैं यहाँ पर स्मोक कर देता हूँ कि आराम से लूटूँगा मजे से, कोई देख नहीं रहा होगा। पर यहाँ पर एक ख़तरनाक बम आता है और यहाँ पर नॉक होने के बाद लग रहा था कि मेरा गेम प्ले यहीं पे तैयार हो जाएगा, पर टीममेट फरिश्ते की तरह आता है और बचा लेता है। वो पहले मुझे यहाँ पर रिवाइव कर रहा था पर यहाँ पर एक और बम फटा, तो इसलिए मैं पीछे चला जाता हूँ। यहाँ पर मैं भगवान से दुआ कर रहा था कि वे रस ना कर दे वरना गेम प्ले नहीं बनेगा। पर यहाँ पर मैं आराम से रिवाइव हो जाता हूँ फिर उन बंदों को पे लेंगे। तो यहाँ पर मैं अंदर आके ही लगाता हूँ और इतने में मेरा टीममेट संभाल लेता है, उन बंदों को फिनिश कर देता है। तो जैसे ही मैं रोड क्रॉस करता हूँ एक हेडशॉट आता है, तो उस हेडशॉट से मैं बढ़ जाता हूँ। फिर यहाँ पर हील लगाता हूँ फिर उस बंदे को देखने की कोशिश करता हूँ जिसने हेडशॉट मारा था पर वे मुझे मिलते नहीं। तो काफ़ी देर तक देखने के बाद भी मुझे कोई बंदा नहीं दिखता। फिर यहाँ पर देखना एक बंदा क्या काम कर रहा होगा। मैं आगे तक जाता हूँ पर फायरिंग नहीं करता, फिर करता। तो उस बंदे को मारने के बाद हमें इस जगह पर आते हैं। यहाँ पर देखना कितनी गंदी थर्ड पार्टी होएगी। तो मैं यहाँ पर उन बंदों को मारने की कोशिश करता हूँ पर वे सांप बन चुके थे इसलिए दिखाई नहीं दे रहे थे, और बम भगाने की भी कोशिश करी पर बम से फायदा नहीं हुआ। तो मैं फिर पेड़ के कोर में जाने लगा पर तभी उनने वे बंदे डैमेज देने लगे फाड़ी वाले। तो मैं यहाँ पेड़ के कोर में आता हूँ फिर हील करता हूँ थोड़ा बहुत, और फिर यहाँ पर स्मोक करने के बाद भागने की कोशिश करूँगा। पर गाड़ी में फ्यूल ही नहीं था तो यहाँ पर कैसे सर्वाइव करा तो देखना होगा इसके लिए आपको। तो हील करने के बाद मैं उन बंदों पर फायरिंग करता हूँ पर वे गाड़ी लेकर भाग जाते हैं। फिर मैं इस घर में आता हूँ और यहाँ पर ये पेटी दिख गई थी तो इसे लूट के चलते हैं। तो वहाँ पर वे बंदे होम वगैरह चला रहे थे स्नाइपर, तो मैं इस घर में आ जाता हूँ और यहाँ पर देखना क्या स्प्रे मारूँगा।
तो उसे पहले हील कर लेता हूँ। फिर पहाड़ी पे एक बंदा दिखता है, ये स्प्रे की बात नहीं कर रहा था मैं। तो इस स्प्रे के लिए लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर दो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो यहाँ पर सिर्फ दो ही बंदे रह चुके थे, तो एक बंदा मुझे यहाँ पर शो होता है तो जिसे मैं डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, पर इतना कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मैं कार लेकर इस पर क्लोज इन करने की कोशिश करता हूँ, पर उसके पास ड्रॉप की गन थी इसलिए थोड़ा मैं उससे दूरी बनाए रख रहा था। और मैं यहाँ पर उसे ज़्यादा देर पीक नहीं दे रहा था, और सबसे पहले मैंने कार सेव करी। फिर ये बंदा कोर सवारी नहीं निकल रहा था तो मैं वहाँ पर पीछे जाता हूँ, पर इतने में गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो मुझे यहीं पर रोकनी पड़ती है कार। और यहाँ पर मैं टायर फोड़ लेता हूँ, कहीं गाड़ी के नीचे से डैमेज करने की कोशिश करे। और यहाँ पर मैं पीछे देख रहा था ताकि वे तीसरा बंदा मारे ना दे। तो यहाँ पर मैंने M249 से कुछ शॉट मारे पर वे नॉक नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैं मिस हो जाता हूँ, पर वे बंदा जोन की तरफ भागेगा तो उसे वापस निपट आएंगे। तो इस बंदे को मारने के बाद मैं दूसरे बंदे की तरफ देख रहा था, पर वे मुझे घर में पाता है। मैं वैसे यहाँ पर हील लगाने के लिए आया था, पर मुझे सामने दिख जाता है उसकी खोपड़ी, फिर उसको फोड़ देते हैं। यहाँ पर मैं हील लगाता हूँ, आपको दिख ही रहा होगा सामने। आपको वीडियो का कौन सा पार्ट बढ़िया लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।